नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 17 सितंबर 2024 को स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के मुताबिक मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जाता है। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध के दौरान सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल, कुश, अक्षत, तिल आदि लेकर पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हुए जल ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसके बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके गुणों को याद करना चाहिए। पितृपक्ष में दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। श्राद्ध में गाय, तिल, भूमि, नमक, घी आदि दान करने की परंपरा है। धर्म ग्रंथों में श्राद्ध में दान की गई वस्तु से मिलने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जानिए श्राद्ध में क्या चीज दान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अन्य दान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। सोने का दान कला का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित 2 वस्त्रों के दान का महत्व है। यह वस्त्र नए और स्वच्छ होना चाहिए। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व होता है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी श्राद्ध की पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की,
अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उससे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर जमीन पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी ही खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।